हेलो भाई, हो तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमें रास्ते में चलते हुए ये भाई मिला है, और ये कहाँ से आ रहा भाई बता? मैं जोधपुर राजस्थान से उत्तराखंड केदारनाथ की पैदल यात्रा कर रहा हूँ, 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर की भाई? और आज 21 दिन हुए मेरे को चलते हुए, आज 21वें दिन की सुबह है। मैं पहुँच गया हूँ झुंझुनू सिटी, और झुंझुनू सिटी पार करके चिड़ावा की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इस यात्रा में मैं अपना एक छोटा सा मैसेज लेके चल रहा हूँ, सेव एनिमल, सेव ट्री और सेव इन्वायरमेंट का, ताकि हमें जो कोरोना में जो प्रॉब्लम्स आई वो लोगों को दिखा रहा हूँ कि उसका मेन कारण क्या था, ऑक्सीजन वगैरह, तो वो किस कारण से आई है, तो वो मैं लोगों को बता जा रहा हूँ कि कम से कम पेड़ काटो और जीव जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ। धन्यवाद। तो भाई बहुत ही मेहनत कर रहा है, देखो इसको सपोर्ट कीजिए, रास्ते में कहीं भी मिले तो इसको जैसे भी आपकी तरफ से कुछ भी हो इसकी हेल्प कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज का नाम है राइडर दिनेश RJ19, और यही मेरे यूट्यूब पेज का नाम है राइडर दिनेश RJ19, वहाँ जाके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और आप मेरे रास्ते में कहीं भी मेरा रूट पड़ेगा चिड़ावा, लोहारू और भिवानी, भिवानी से पानीपत, पानीपत से मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार, तो इस रूट में आपको मैं कहीं भी मिलूँ तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद भाई, बहुत ही मेहनत करें। पीछे के दिखा दे भाई, ये देखिए आप, जोधपुर टू केदारनाथ 1500 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है भाई राइडर दिनेश RJ19। ठीक है भाई, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है भाइयों, चलते हैं फिर। तो भाइयों, पीठ पर 30 किलो का वजन टांगे, और वो भी जोधपुर से केदारनाथ तक का सफ़र, वो भी पैदल 1500 किलोमीटर की यात्रा को तय करना बहुत ही मुश्किल का कार्य है। इसके जज्बे को सल्यूट है भाई। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।